दिखाई दे रहा ये पीड़ित बुजुर्ग थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी उदय राज उर्फ लाला है। पीड़ित बुजुर्ग की माने तो उसका नाबालिग पुत्र साहिल शराब व अन्य नशे का आदि है, जिसके चलते वह आए दिन गलत कार्य करता रहता है, जिससे कि उसके पिता की छवि धूमिल हो रही है। इसी के चलते अब पिता अपने बेटे से कोई भी मतलब ना रखने का प्रार्थना पत्र लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचा। उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके शराबी बेटे से उसको बचा लो। वहीं पीड़ित का कहना है कि उनका पुत्र साहिल शराब के नशे में कई बार चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और हाल ही में वह अपनी बुआ का फोन भी चोरी कर ले गया है। इसी से परेशान होकर पीड़ित बुजुर्ग ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पुलिस से गुहार लगाई है कि अगर उनका बेटा कोई भी गलत काम करने के दौरान पकड़ा जाता है तो उसका उससे कोई भी मतलब नहीं है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस से उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की भी गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित बुजुर्ग ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, साहिल नाम है उसका, वो अक्सर चोरी चकोरी करता रहता है। इसके संबंध में जो है मेरे घरवाली ने और मैंने प्रार्थना पत्र भी दे रखी है उसके खिलाफ कार्रवाई। वो भी परेशान करता है, परेशान जो जिसकी चोरी होती है वो मुझसे आके कहता है। तो आपने समझाने की कोशिश की? खूब समझा लिया मैंने, हार थक कर मैंने जो है कानून की शरण ली। तो कब से ये घटनाएं कर रहा है? काफी लंबे अरसे से कर रहा है वो, उसकी समझ में नहीं आ रहा, घर पर नहीं आता है। लेकिन जब घटना होती होगी तो आपको हमें सूचना मिलती है, पूरा पता देखे जाने कौन कौन भेज देता है कि इसके लड़के ने किया, इसके लड़के ने किया। मैं तो कई बार जो है, अब यहाँ अधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा भतीजा है जिसका नाम साहिल है, वो चोरी चकारी करता है, नशा करता है। उसका यही काम है कि नशा करना और इधर उधर चोरी चकारी करना। 10 तारीख को मेरे यहाँ भी मेरे घर में घुस गया, मैं सोई थी, मेरे बक्से का ताला तोड़ रहा था। हाल ही में बेटे की सगाई हुई तो कुछ सामान भी था उसमें, तो ताला तोड़ते हुए मुझे आवाज़ लगी, मैंने देखा कौन है क्या कर रहा है, तो मेरा मोबाइल उठा के भाग लिया।